सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बताइए कि क्या फील करती हैं आप, सेकंड रनर अप हैं, एंड क्या फीलिंग होती है आपके लिए क्राउन जीतना? बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आई मीन क्राउन आपके सर पे होना मिस इंडिया का कितनी बड़ी बात है। हर लड़की बनना चाहती है, हर लड़की पहुंचना चाहती है इस प्लेटफॉर्म पे, और अब इस चीज़ को जीता है और कमाया है एक तरीके से मेहनत करके, तो अंदर से इतना शुक्रिया निकल के आ रहा है हर एक इंसान के लिए, जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी में पार्ट था इस क्राउन की जर्नी को लेकर के। मैं बहुत ही उत्सुक महसूस कर रही हूँ और बहुत ही खुश हूँ, और आई हैव मेड माई पेरेंट्स प्राउड। बहुत सुपर। एंड जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप जो है सेकंड रनर अप बनकर आई हैं, तो क्या फील थी उनकी, एंड क्या कुछ फीलिंग थी उनके लिए आपकी? तो मेरे पेरेंट्स आए थे फिनाले देखने के लिए ओ बॉम्बे, स्पेशली फ्लाइट्स लेकर के वो लोग आए यहाँ पर रुके, और मेरी आंखें उन्हीं को ढूंढ रही थी कि कहाँ पे हैं कहाँ पे। एक होता है ना, एक बच्चा जब परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज पे तो देख रहा होता है किधर है मम्मी पापा, तो मैं उन लोगों को देख रही थी, मेरी आंखें ढूंढ रही थी। बहुत टाइम तक नहीं देखे, तो मैं पोज वगैरह कर रही थी सब लोगों के साथ जब मेरे सर पे क्राउन आया। बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, हमारे जजेस और कम्युनिटी। फिर फाइनली देखे मम्मी डैडी ताऊ जी ताई जी भाई, इतने सारे लोग आए थे, मतलब संयुक्त परिवार में रही हूँ मैं ज़्यादा वक्त, इस वजह से सब लोग मुझे दिखे और मेरी आंखों में आंसू आ गए उसी वक्त, जब तक की खुशी थी। पर ऐसा होता है ना, घर वालों को देख करके आंसू आ जाता है, पूरी अपनी पूरी जर्नी याद हो जाती है, कितनी मेहनत करी अपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बस ऐसे ही था, इमोशनल हो गया थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जैसा कि ये जर्नी बिल्कुल हार्ड नहीं होती, इतनी इजी नहीं होती है ये जर्नी, जब आपने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर कुछ 30 या 34 हाँ जी हाँ जी हाँ जी कंटेस्टेंट के साथ में आपने पार्टिसिपेट किया, तब आपने सोचा था कि एक दिन आप ये क्राउन आपके सिर पर आपके होगा, ऐसा कुछ फीलिंग थी आपके? सर, फीलिंग मैं इस चीज़ में बहुत मानती हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को सोचते नहीं हो, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में खुद विश्वास नहीं कर सकते, तब तक वो आपकी हो नहीं सकती। बिल्कुल तो मैं करेक्ट। पूरा विश्वास के साथ आई थी और मेरा पूरा ध्यान वही था कि मुझे क्राउन चाहिए, फोकस वही था। और जर्नी मुश्किल होती है, मतलब इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा कोई किसी लड़की से कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। हर लड़की बहुत अच्छी थी, एक अगर मैं जेन्युइन इंसान के लेवल पे आकर के बोलूँ, हर एक लड़की बहुत अच्छी थी। हर एक लड़की की अपनी अपनी अलग कहानी थी, सब अलग अलग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे। कभी कभी किस्मत और आप क्या परफॉर्म करते हैं वो चीज़ और रिजल्ट्स और सब अलग होता है, बट कभी कंपटीशन की भावना ही नहीं आएगी। हर एक लड़की से मैंने बहुत सीखा वहाँ पर आने के बाद, और एक दूसरे को लेकर के बहुत सपोर्टिव थे हम लोग, तो ये हमारे बैच की बहुत ही अच्छी बात थी। हर लड़की मतलब जीतने के बाद दूसरी लड़की की जीत के लिए ताली बजा रही थी, उन सब ने आकर के हमें हक करा गले लगाया, तो वो एक फीलिंग थी वो बहुत अच्छी थी कि चलो ठीक है हमने दिल भी जीते हैं साथ में ग्राउंड के साथ साथ, बिल्कुल और बिल्कुल अपनी जो हमारे साथ थी उन सबका प्यार भी पाया है। बिल्कुल। सो आपने ये बचपन से सोचा था कि इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर आपने, वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि मुझे मिस इंडिया के लिए ये करना है? एंड आप बताइए। मेरी मम्मी को तो बेटी चाहिए थी क्योंकि ने मिस इंडिया बनाना था, तो जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी वाओ तब से शायद मेरे से जीन्स के थ्रू आ गया होगा कि मिस इंडिया बनना है।